फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अख्तर मलक, फोटोग्राफी मलक में आपको वेलकम। अगर आप अपनी फोटोग्राफ्स टॉप की स्टॉक साइट्स पे बेचना चाहते हैं और इससे पैसे कमाना चाहते हैं तो ये चैनल मैंने आपके लिए ही शुरू किया है। इसमें मैं आपसे अपने फोटोग्राफी के एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और फोटोग्राफी के बारे में आपको टिप्स दूंगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले, कैमरा कैसा होना चाहिए? अगर साइट पूछें तो स्टॉक साइट्स पे तस्वीरें बेचने के लिए या अपने इमेजेस सेल करने के लिए कैमरा इतना मैटर नहीं करता। जो चीज़ मैटर करती है वो है आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या थीम है, क्या आइडिया है। असल चीज़ आइडिया होता है। और स्टॉक साइट्स पे ज़रूरी नहीं कि आपके पास महंगा DSLR हो, आप अपने सेलफोन से भी अपने इमेजेस सेल कर सकते हैं। बस आपके इमेजेस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसमें कोई टॉपिक होना चाहिए, कोई आइडिया होना चाहिए। आपको पता है स्टॉक साइट्स पे करोड़ों की तादाद में इमेजेस हैं, तो इसमें से जो बायर्स हैं वो यूनिक चीज़ ही बाई करते हैं और वही चीज़ ख़रीदते हैं जिसमें कोई आइडिया हो और कोई मकसद हो। नंबर दो, आप स्टॉक साइट्स पे रेगुलर अपलोड करेंगे तो लाजमी आपके इमेजेस दिखेंगे। हफ्ते में 3 बार या 2 बार, नहीं तो कम से कम हफ्ते में 1 बार ज़रूर अपना इमेजेस अपलोड करें। जितने आपके अपलोड करने में कंसिस्टेंसी होगी, जितना रेगुलर आप अपलोड करेंगे उतने सेल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। दूसरा, आपके इमेजेस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। भले वो सेलफोन से खींची गई तस्वीरें हों, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी की चीज़ बिकती है। दूसरे नंबर पे क्वांटिटी आती है। आपका पोर्टफोलियो जितना बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा तस्वीरें आपके पोर्टफोलियो में होंगी, आपके पास जितना कलेक्शन ज़्यादा होगा उतनी आपकी सेल के चांसेस ज़्यादा होंगे। दूसरा ये है कि आप कोशिश करें कि जिस साइट पे भी अपनी तस्वीरें अपलोड करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं सेल करने के लिए, आप अपलोड करते हैं तो वहाँ नॉन एक्सक्लूसिव अपनी तस्वीरें करें, क्योंकि अगर आप एक्सक्लूसिव करेंगे तो आप किसी और साइट पर अपनी तस्वीरें नहीं भेज सकेंगे। किस कैटेगरी में आपको तस्वीरें खींचनी चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में दिलचस्पी रखते हैं। आपको पता है कि स्टॉक साइट्स पे फोटोग्राफ्स की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे मैक्रो, पीपल, नाइट फोटोग्राफी, लैंडस्केप और बहुत सारी कैटेगरी हैं जिसमें आप दिलचस्पी रखते हों। और ये देखें कि स्टॉक साइट्स पे जिस कैटेगरी में कम कंपटीशन हो तो आप उस कैटेगरी पे जो है अपनी तस्वीरें अपलोड करें और उस पर ज़्यादा तवज्जो दें। और दूसरा ये है कि आप जिस कैटेगरी में भी आप अपने इमेजेस अपलोड करते हैं तो आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि किसी फोटोग्राफर की 100% कापी ना करें। आइडिया लेने के लिए आप उसी टाइप के इमेजेस खींच सकते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत एंगल में फ़र्क होना चाहिए, थोड़ा बहुत उसमें तब्दीली होनी चाहिए। 100% कॉपी नहीं करनी चाहिए, वरना आपके इमेजेस जो हैं वो नहीं बिकेंगे। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आइंदा वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टॉप साइट्स हैं जिनके ऊपर जाके आप जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपनी तस्वीरें भेज सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।